कॉल आ रही है, उठा क्यों नहीं रही है? हे पप्पा जान, अम्मी की कॉल आ रही है, मैं उठाने नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, पहले अपना घर उसके बाद कोई और रिश्ता। मरियम, वो एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे इस तरह घर के काम करवाती हूँ। इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है पप्पा जान, ये मेरा भी घर है। जीती रहो, मैं जानती हूँ कि तुम पहली बार किचन के काम कर रही हो। जी, मगर पप्पा वो मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। अब तो तुम इस घर का फर्द हो, तुमसे क्या छुपाना। अजहर का बिजनेस में लॉस हो गया, उनके पार्टनर ने चीट किया उनके साथ, मिल्कियत विरासत का हिस्सा जो कुछ भी हमारे पास था सब बिक गया। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके आदिल ने अपनी तालीम मुकम्मल की। मैंने पुजार, सोचा था जब तुम शादी होके आओगी तो मलका बना के रखूंगी तुम्हें अपने घर में। बदकिस्मती से हालात ऐसे हैं कि कोई मेड या खानसामा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत मामूली बात है, घर में सबको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ता है ना। प्लीज बेटा, एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, तुम ये सारी बातें अपने घर पे डिस्कस नहीं करना किसी से, खास तौर पे बाबा जान से, वो बहुत खफा होंगे। और जानती हो ना, तुम्हारी अम्मी तो वैसे ही तलाक दिलवाना चाहती हैं तुम्हें। अपनी जान दे दूंगी पप्पा जान, मगर अपनी घर की बातें वहां नहीं बताऊंगी। मेरी तो दिन रात यही दुआ है कि किसी तरह मीरब का घर बस जाए, कोई उससे शादी कर ले। जी पप्पा जान, मगर यह बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना बेटा, बस तुम दुआ करो कि कोई ना कोई सबब बन जाए मीरब के लिए और खानदान में से ही कोई आगे बढ़ के उसको अपना ले, चाहे दूसरी शादी कर ले कोई।